नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आजकल यह बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। और जैसे कि आप सब जानते होंगे कि भारत ने बहुत ही तीव्र गति से इस बात को साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान में किसी भी तरह से आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। अपने यहाँ से जो क्या कहीं से भी आतंकवाद को वो दूर भगा सकता है। मैं इसलिए आज आप सबके समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जैसी न्यूज़ चल रही है उसमें हम सबको एकजुट रहना पड़ेगा, हमें संयम से काम लेना पड़ेगा, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि अव्यवस्था फैले, असहजता फैले। करना क्या है कि जैसे आप सब देख ही रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी सोशल साइट्स हैं उन पे इतने सारे संदेश आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फ़ोटोज़ आ रही हैं कि जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया है, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि बिना किसी प्रामाणिकता के कोई भी फ़ोटो, कोई भी पोस्ट शेयर नहीं करनी है। मैं खुद सोशल साइट्स का यूज़ करता हूँ लेकिन जब ये देखता हूँ तो बहुत बुरा लगता है कि हम लोग एकजुटता के बजाय अलग अलग तरह की न्यूज़ चैनल से अलग अलग तरह के संदेशों को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ये हमें नहीं करना है क्योंकि इससे अराजकता, असहजता फैलने के पूरे आसार हैं। हमें एकजुट रहना है क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं और एकता में शक्ति होती है। हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है अपनी भारतीय फौज पे, भारतीय सेना पे, क्योंकि वही हैं जो हम सबके लिए एक पालनहार हैं और हम सबकी सुरक्षा के लिए हमेशा सदैव सजग हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा देता हूँ कि हमें पोस्ट को पहले क्या करना है, अगर हमारे पास पोस्ट आती भी है तो हमें उसे क्या करना है। तो मैं आपको इस नेक्स्ट वाली जो फ़ोटो है उसमें मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपका फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं, पहले रिसीव फॉरवर्ड, अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है पहले आप वेरीफाई करेंगे इन्फॉर्मेशन का, अगर वो गलत है राइट साइड में देखिए इट्स फॉल्स तो डोंट शेयर, शेयर मत कीजिए। अगर सही है तो पहले चेक करेंगे कि क्या वो नेगेटिविटी फैला रही है, अगर नहीं तो आप शेयर कीजिए, अगर यस तो नहीं शेयर कीजिए। और ध्यान रखना है हम सब भारतीय हैं, जी हाँ वी ऑल आर इंडियंस। जय हिंद जय भारत, जय हिंद की सेना। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, ध्यान रखिए अहिंसा के पुजारी भी हैं तो हम भगत सिंह को भी पूछते हैं, यानी हम मारना भी जानते हैं, ये हर कोई समझ ले। हमारी भारतीय सेना सदैव सजग है, सदैव तैयार है हर परिस्थिति के लिए। और जिस तरह कल दिखाया वायुसेना ने, जय हिंद की वायुसेना, सदैव तत्पर, कृपया संयम बरतें। बिल्कुल हमें संयम बरतने की ज़रूरत है, अननेसेसरी कुछ नहीं करना और बिना सोचे समझे कोई फ़ोटो, कोई पोस्ट शेयर नहीं करनी है जिससे कि हम सब सुरक्षित रहें। और हाँ, यही हमारा एकजुटता का सही परिचय होगा। धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया फ्लो चार्ट के माध्यम से या स्टिकर के माध्यम से कि हमें किस तरह से सजग रहना है, संयम से रहना है जिससे कि हम लोग हमेशा सुरक्षित रह सकें, अच्छे से रह सकें। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं, सदैव सजग हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो हमें बस उनका उत्साह बढ़ाना है, उनकी हौसला अफजाई करनी है, कोई भी गलत चीज़ को हम आगे आने नहीं देंगे और बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए एक सजग नागरिक बनेंगे, यही हमें हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।